Hello friends, welcome back to my channel and today I will share the product which I have purchased from Nykaa Pink Friday sale. मुझे पता है कि जब तक ये मुझे प्रोडक्ट रिसीव होंगे वो सेल ख़त्म हो चुकी होगी, बट आई विल सजेस्ट सम प्रोडक्ट विच आई लाइक मोस्ट. प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपके नायका के कार्ट में जाके उन प्रोडक्ट्स को फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं और नायका पर सेल चलती रहती है और सेल के टाइम उन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऐसे स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं जिसमें से कुछ प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ और उनके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे. सो रिकमेंडेशन वीडियो एज वेल, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो आप उन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. कुछ प्रोडक्ट मेरे लिए नए हैं तो मैं उनको आपको यूज़ करके दिखाऊंगी. फर्स्टली, मैंने जो प्रोडक्ट परचेज किया है दैट इज़ लैक्मे 925 सीसी क्रीम. माई शेड इज़ हनी. फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छा आइडिया मिल सके. विदाउट एनी स्पंज एंड ब्रश मैंने ये क्रीम को अपने फेस पे फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई कर लिया है और ये क्रीम बहुत अच्छी तरह मेरे फेस पर ब्लेंड हो रही है. क्योंकि ये क्रीम है तो आपके फेस पे मीडियम कवरेज देती है. इस टाइम मेरा फेस थोड़ा वाइट लग रहा है बट ये क्रीम आफ्टर सम टाइम ऑक्सीडाइज हो जाएगी और एकदम मेरे फेस के टोन की हो जाएगी. आप इस क्रीम को डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं. लुक, माय फेस इज़ लुकिंग फ्रेश एंड ब्राइट एंड अप टू. सेकंड प्रोडक्ट इज़ कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. माय शेड इज़ वॉर्म सैंड. आई हैव वेटिश स्किन लाइक येलो अंडरटोन. ये शेड एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन से मैच कर रहा है. मैंने बहुत लिटिल क्वान्टिटी ली है, काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो रहा है, कवरेज भी अच्छी दे रहा है. नेक्स्ट इज़ मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट. माई शेड इज़ वार्म न्यूड. फाउंडेशन को सेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है. फ्रेंड, हैवी कवरेज बिल्कुल नहीं देता, कवरेज मीडियम है. डेली बेसिस पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं. डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है. फेस पे बिल्कुल लाइट फील होता है, आपको फेस पे बिल्कुल हैवी नहीं लगेगा. तो आप इसको डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है मेबलिन न्यूयॉर्क का लास्टिंग डर्मा जेल आईलाइनर. इट इज़ ब्लैक इन कलर. पिगमेंटेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, ये आपकी आईज़ को मैट लुक देता है. इट इज़ जेट ब्लैक इन कलर. बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, स्मूथली अप्लाई हो जाता है. बट फ्रेंड, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्मच प्रूफ आईलाइनर. आप अगर इसको हैंड से रब करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन कॉलोसल काजल. मैं इसे एज अ लाइनर भी यूज़ करती हूँ. काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाता है. ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और वाटरी आइज पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. मेबलिन फिट मी ब्लश. माई शेड इज़ न्यूड पीच. इट इज़ ब्यूटिफुल पीच शेड विद ऑरेंज टिंट. आई एम अप्लाइंग वेरी लाइट अमाउंट. इट गिव्स सटल ग्लो ऑन योर फेस. नेक्स्ट अगेन मेबलिन न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक. माय शेड इज़ बियर टेम्पटेशन. इट इज़ ब्यूटीफुल न्यू ब्राउन शेड और बहुत स्मूथली लिप्स पे अप्लाई हो जाती है और मैट फिनिश देती है. यू कैन ट्राई दिस न्यूड शेड एज वेल.
अगेन ये मेबलिन न्यूयॉर्क की सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक है, शेड है कीप इट मेलो। मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पिगमेंटेड बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ बट ये लिप्स से फेड होती जा रही है। दिस इज़ कलर इज़ वेरी पैथेटिक फॉर मी, कलर इट डजेंट सूट मी। It's a Maybelline Creamy Matte Lipstick. My shade is Brooklyn Bear. Beautiful peach shade है। It is not a matte lipstick. आपको touch up की ज़रूरत पड़ती है but ये आपके lips को moisturize और hydrate रखती है। You can try this lipstick on a daily basis. Next is my favorite TNW Cucumber Toner. मैं इसे as a makeup setting spray भी use करती हूँ। आप मेरे फेस को देख सकते हैं कि मैंने अभी कोई हाइलाइटर्स का यूज़ नहीं किया है। ये फेस पे एक अच्छा खासा ग्लो देता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग, फेस को काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कराता है। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट टोनर है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। तो आप इस टोनर को ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। लैक्मे 9 to 5 विटामिन सी रेंज, विटामिन सी डे क्रीम, विटामिन सी सीरम एंड विटामिन सी नाइट क्रीम, ये तीनों कॉम्बो। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल वीडियो है, मैं लिंक आपको दे दूंगी, यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। इसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे और आप इस प्रोडक्ट को भी एक ट्राई दे सकते हैं। ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।